दोस्तों हम आ गए हैं न्यू फाउंटेन सिटी में, जो अपने शानदार एम्बियंस और प्रीमियम डेस्टिनेशन के लिए मशहूर है। यहाँ का हर एक कोना लग्जरी वाइब देता है। वैसे तो यहाँ एक अमेजिंग वाटर पार्क है और कई एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ भी है, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे अर्बन नाइट रेस्टोरेंट में, जिसका एम्बियंस किसी ताज होटल से कम नहीं है। और इस व्लॉग में हम आपको यहाँ का रॉयल डेकोर, माउथ वाटरिंग डिशेज और यहाँ कितना कॉस्टली या बजटली या फ्रेंडली सब कुछ डिटेल्स में दिखाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना है दोस्तों। फिलहाल हम अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा है, और जो वाटर पार्क का टूर है हम नेक्स्ट वीडियो में कभी आएंगे तो कराएंगे आपको। बाकी यहाँ का जो आज खाना है, नीचे फाउंटेन होटल भी है बट हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, जिसका एम्बियंस भाई मैं बोल रहा हूँ ना ताज होटल से भी जबरदस्त लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त आर्टुर सारी, और आज हम आ गए हैं फाउंटेन सिटी के अंदर। तो फाउंटेन जो है वो नीचे है, और अभी हम अर्बियन नाइट्स जो है क्या नाम, तो वो जो थर्ड फ्लोर पर है, तो वहाँ पे हम खाने वाले जाके देखते हैं। वहाँ पर पूरा अर्बियन फूड मिलने वाला है, और यहाँ का जो व्यू है भाई वो तो देख सकते हैं कि जो फाउंटेन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया, अमेजिंग, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और लिफ्ट देखो, लिफ्ट भी ज़बरदस्त बनाई है, और एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है। और हम वहाँ पे जाने वाले हैं सामने। किसने मस्त है, ग्रे ग्रे तो दोस्तों फाइनली हम घुस गए हैं भाई, ये अरबियन सफरोन जो है इसका नाम, मेरे को लगा था अरबियन नाइट्स है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव किचन दिखाया गया है, जितने आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो शेफ हैं यहाँ काम कर रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और अभी अंदर जो है रेस्टोरेंट का व्यू तो भाई बहुत ही देखने लायक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है और आगे भी है, और ऊपर इस तरह से बनाया गया है भाई, रूफ टॉप जैसा लगे और आसमान उसके अंदर दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसका जो एम्बियंस है इतना ज़बरदस्त है, खाना कैसा है वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी एम्बियंस में अगर बात करें तो भाई 10 of 10 नंबर इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि कोई 5-star होटल से 7-sitara होटल से भी ये कम नहीं है। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या क्या यहाँ का खाने में क्या आने वाला है और कितना कॉस्टली है। वीडियो के एंड तक बने रहना है, कहीं नहीं जाना। और जो लोग पहले हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार, जल्दी, कमन, देर मत करो यार, बिल्कुल भी लाइक करो पहले। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे फर्स्ट ये लगी कि जैसा हमने खाने का ऑर्डर दिया तो हम बैठे थे, तो जो वेटर्स हैं उन्होंने ये गार्लिक ब्रेड का जो एक कटोरा हमारे सामने रख दिया और बोले कि आप खुद से यहाँ बना के खा सकते हो। तो मैं खुद से बना रहा हूँ, मैंने मायो लगा दिया और एक पिंक मायो भी लगाया, और ये तंदूरी सॉस में लगा रहा हूँ, और इसको मैं खा कर बताता हूँ कैसा है। बस देखो ज़्यादा मत लगाओ, एकदम ओवर लगेगी। लाला वाइट पेपर है, ये के वो नमक है, लाला वाइट पेपर है, ऑर्डर कैंसिल कर दो, हमारा हो गया। अमित दरवाजा बंद करके पैक कर देंगे। मैंने अपने हाथ से बनाया गार्लिक ब्रेड, जिसका स्वाद जो है भाई नेक्स्ट लेवल है। तो तुम कहना चाह रहे हो लोगों को बनाया था वो सही नहीं है,
उन्होंने कहा जब तक आपका ऑर्डर आ रहा है बनके रेडी होके आ रहा है तब तक आप ये सही नहीं बनाए सॉस में ये कुछ भी आइटम ला रहा है क्या है ये कबाब टिक्का वो उसमें का जो है ना सॉस चाहिए ये समागनी होने में ये समागनी होने ये ग्रीन चटनी चिकन बहन तो वही हमने स्टार्ट मंगाया था इसके बाद खत्म हुआ उसको दोनों हैं और अभी हम इसका फर्स्ट बाइट लेके जा रहे हैं जैसा अच्छा जबरदस्त है यार अब देख सकते हैं एकदम कड़क हो जाता है ना एकदम सॉफ्ट है जूसी है और भाई नेक्स्ट लेवल स्वाद है नहीं पहले दूसरा आने दो पहले दूसरा आने दो आयशा फिर उसके चक्कर में वो रह जाए अभी और आने दो ना अपन देखते हैं ना नहीं 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 ओके क्या एक नंबर में इसमें पूरा एकदम फुल एकदम जूसी है बहुत ही ज़्यादा इसका शोरमा खाने में मज़ा आता है ऐसे चिकन का बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट नेक्स्ट लेवल जैसा हमका एम्बियंस है उससे ज़्यादा वो टेस्ट है तो गाइस माय बाइट इज रेडी नहीं ठीक है खानी रस सलमान भाई क्या शोरमा बना के खा रहे क्या भाई वो जो पिज्ज़ा ब्रेड इन लोगों ने दिए थे ना कॉम्प्लीमेंट्री वो स्मॉल पिज्ज़ा ब्रेड मैंने उसमें जूसी चिकन डाल दिया एकदम माइक लगा लो ना ऊपर ऐसा है क्या तो भाई जो ये लोगों ने मुझे जूसी चिकन दिया था ना और पिज्ज़ा ब्रेड जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया था और इनके जो सॉसेस है वो इतने अच्छे हैं लाइक गार्लिक सॉस स्टाफ के साथ अच्छा है और एम्बियंस बहुत अच्छा है स्टाफ बहुत अच्छा है सर्विस बहुत अच्छी है इज गुड 10 out of 10 बोल सकते हैं सर और मेरी बाइट तो मज़ेदार थी और अभी हमारा मेन कोर्स और क्या आ रहा है ये क्या क्या मंगाया है इधर दिखा दो ना भाई कैमरे में कर दो मैंने कैमरे में वो पूरा दस्तर इसमें रखो ना कैमरे में इधर रख दो ना नीचे अच्छा कटरे के साथ रख दो ना पहले वो कैमरे में एक सेकंड के लिए भाई सॉरी ये हमने नान मंगाया है लाओ वो दो चलो एक सेकंड माइक दो ये रखा मैं ये क्या है बेबी टर्किश कबाब ये ट्यूनिशियन दादा जोर से बोलो क्या है ये ट्यूनिशियन दादा है Tunisian Dajaj. सलमान भाई आज अफ्रीकन डिश खा रहे भाई यहाँ जो आने की चॉइसेस थी ना इसकी भी थी फाउंटेन सिटी की बहुत प्यारी चॉइस थी राइट जैसा यहाँ का एम्बियंस है और जैसा यहाँ का स्टाफ है और जो ये होटल है और यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चीज़ें लेकिन आज तुम पहली बार अफ्रीकन डिश खा रहे हो हाँ फर्स्ट टाइम मैं अफ्रीकन डिश खा रहा हूँ गाइस वरना अफ्रीका से जब इंडिया आया तो मुझे पहचानते नहीं थे आज मुझे अपने देश का खाना मिला है बहुत खुश हो गया हूँ मैं और बहुत अच्छा बनाई है मुर्गी भी अफ्रीका से आई है जब भी आओ ना ट्राई करो क्या बात है भाई अलग अलग देशों की डिशें खाने मिल रही है आज और तुम्हारे बाहर लिखा है अरबियन सैफ्रन तो मेरी लिस्ट में पूरा है ना उसमें लेबनान से एग्जैक्ट हां मतलब वो पूरा आ गया टच हो गया था क्या शिट पर कैमरे पे लगा नहीं चलो सर्व कर देते ना देखो कैसे मुंह से पानी आ रहा है सलमान भाई के चलेगा कोई बात नहीं
तो भाई ये मैंने ले लिया है बटर नान और ये है मुरकन मुरकन ताजा ताजी मुरकन ताजी अफ्रीकन डिश है भाई, नाम भी थोड़ा सा खतरनाक हो लेकिन इसका टेस्ट कैसा है वो अभी हम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसके ऊपर से भाई काजू है, मुझे देख के लग रहा है ये सारे मसाले भाई एकदम काजू है इसके ऊपर से वो बिरिस्ता प्याज का भी स्वाद आ रहा है। तो फिर क्यों मंगा रहे हो? प्राइस भी है ना, तो मैंने मेरे गांव की डिश खाने के बाद अफ्रीका की अब मैं टर्किश डिश की तरफ आ गया हूँ। कैसी लग रही है टर्किश? भाई बहुत अच्छी है भाई, ये वीडियो के चक्कर में गाइस ये ठंडी हो जाएगी और मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। छोटा सा एक रिव्यू दे दूँ, एकदम खिले खिले राइस बने गाइस, मसाला बहुत प्यारा है इसका और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स इन्होंने भर भर के डाला है ना, और ये नासिक की किशमिश भी डाले है इसमें लेकिन ये टर्किश की बोला है इन्होंने, तो किशमिश जो है नासिक की डाली है। ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना और इसको मैं स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं टर्किश हूँ नहीं, बस टर्किश डिश खा के चेक कर रहा हूँ। तो आप आओ और टेस्ट करो और बाकी वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों जैसा कि सलमान भाई ने बताया कि अपने गाँव की डिश खाने के बाद टर्किश राइस को ट्राई कर रहे हैं लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि टेस्टी और वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इधर आ रहे एक बार ये ट्राई ज़रूर करना क्योंकि आप एक बार ये खाएंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। खाने के बाद जो हमें बाउल हाथ धोने के लिए मिली वो एकदम शाही अंदाज में थी जो यहाँ के रॉयल एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। और अगर बात करें खाने के टेस्ट की तो वो सच में बहुत ही लाजवाब था। हमारा टोटल बिल 6 लोगों का हुआ था सिर्फ 3,160 रुपया और जो खाना बचा था उसका हमने पार्सल भी ले लिया। एक्चुअली कैसा सबका पेट भर गया तो हमने और ज़्यादा चीज़ें मंगाई नहीं। अगर आप एक लग्जरियस डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो जो टेस्ट में और एम्बियंस में बहुत ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो अरबियन नाइट्स ज़रूर विज़िट करिए, अरबियन सफ्रोन भी इसको कहते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।